अच्छा आंटी जी ये बताओ, आपने भजन गाए, आपको लोगों ने देखा पसंद किया, तो आपको कैसा लग रहा है? भतीजी का भी आया था, अच्छा दिल्ली से फोन आया था, कैसे? आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, देख लीजिए। तो इस उम्र में जब लोग उठ नहीं पाते हैं या फिर कुछ और कि हम क्या करें या फिर बुराई करना या फिर तो आप बहुत शौक है। आपको शौक है ना गाने का? तो देखिए आंटी इस उम्र में भी सिर्फ इनको भजनों का शौक है। अब देखो ना सब लिखे कर दो तीन दिन, ये देखिए डायरी आंटी जी दिखा रही हैं, ये सारी डायरी ना, बहुत सारी डायरी है उनकी, तो इन्होंने इसमें ये देखिए भजन वगैरह सब लिख रखे हैं। आंटी जी एक बताओ, जैसे आपके भजन हम डाल रहे हैं, आप गा रही हो है ना, और आपके भजन इसमें आ रहे हैं, तो आपको कोई वो तो नहीं है कि किस तरह की परेशानी, कोई आपत्ति, कोई नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है, चोरी है इनको ऐतराज नहीं, कोई हमारे घर में किसी को भी नहीं ना कि भाई क्यों डाल रहे हैं क्या है? जयपुर वाले बेटा बहू कहते मम्मी ये तो अपना नाम हो गया। अच्छा तो नाम ही नहीं करे। अच्छा आपका नाम हो गया और आपके बेटों का नाम हो गया, तो अच्छा लगा है आपको? बहू ने कोई ने नाम नहीं कमाया और आपने इस उम्र में नाम कमाया है, तो मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है? और आपके जो बेटी है, जमाई है, बहू है, सबको अच्छा लग रहा है? सबने आपकी प्रशंसा की ना, मतलब अब तक आपने जो किया भजन गाए वो किसी को पता नहीं था, लेकिन आज सबको पता चल गया, पूरी दुनिया को, जितने लोगों ने आपको देखा है कि भाई ये दादी माँ इतने साल की और इतने क्या इनके हाथ पैर बिल्कुल कमजोर है लेकिन फिर भी इतना अच्छा गा रही है। राम का नाम ले करके मर जाएंगे, राम का नाम ले करके मर जाएंगे, दुनिया में अमर नाम कर जाएंगे, दुनिया में अमर नाम कर जाएंगे, राम का नाम ले करके मर जाएंगे, राम जाएगा।